हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी आईक्यू, ओके सो विल स्टार्ट इन अ मिनट लेट अदर पीपल ज्वाइन इन मीनवाइल पीपीटीज आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ग्रुप पीपीटी पी और एज वेल एज क्रक्स मटेरियल जो दो टाइप के मटेरियल हमारे जो मैं देता हूँ दैट हैज बीन अपलोडेड टू दिस ग्रुप तो यू कैन गेट द एक्सेस टू दिस पी एज वेल एज द मटेरियल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप ओके एक दो मिनट थोड़ा वेट करेंगे लेट ऑल दीपल ऑल्सो जॉइन इन मीन अगर आपके कोई डाउट रहेंगे देन दैट यू कैन आस्क मी ठीक है एक मिनट रुकते हैं एंड दर आफ्टर वेल स्टार्ट तब तक अगर कोई डाउट रहेगा आपका यू कैन टाइप इट आउट एंड वी कैन टेक दैट डाउट ओके यस सो एनी डाउट इफ यू हैविंग गाइज देन जस्ट लेट मी नो ओके आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल गुड इवनिंग टू यू ऑल ठीक है सो विल स्टार्ट इन अ मिनिट लेट ऑल द पीपल ज्वाइन इन तब तक कोई डाउट अगर आपका रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर देन दैट यू कैन आस्क मी अभी तक तो अब बहुत गाड़ी आगे बढ़ चुकी है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एंशंट इंडिया इज ओवर राइट तो आज टूडे वी आर गोइंग टू सी द संगम एज तो संगम एज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बट अगर कोई डाउट रहेगा मीन वाइल देन दैट यू कैन आस्क मे गाईज ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू यू ऑल ओके येसो एनी डाउट गफ यू हैविंग देन दैट डाउट यू कैन आस्क मी चलो, आई गेस नो डाउट्स आर देयर एक वैसे एक मिनट का टाइम लग तो रहता ही है लाइव लेक्चर में विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल्सो बिफोर तो अगर कोई डाउट रहेगा देन यू कैन जस्ट कीप ऑन टाइपिंग मीन वेल आई मूव अहेड ठीक है तो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक दैट इज संगम एज दैट इज डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ तो संगम एज की बात करेंगे आज ओके दिस वॉज टॉपिक ओके यस ओके सो एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एज इन right? देन यस नाहीद वी अबाउट so, द मटेरियल कल्चर ऑफ सातवाना एज राइट तो सातवाना एज का जो मटेरियल कल्चर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है नॉट ओनली सातवाहना बट आपको हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री बिफोर ऑल्सो आप जब हिस्ट्री पढ़ती हो तो यू जस्ट पिकअप अ पर्टिकुलर इरा एंड वंस यू पिकअप अ पर्टिकुलर इरा आपको उसमें क्या पढ़ना है देन यू हैव टू स्टडी पॉलिटी सोसाइटी इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर सो ईच एंड एवरी इरा है तो सातवाहना में वंस वी हैव सीन द मटेरियल कल्चर सो मटेरियल कल्चर मीन सर्टन इंफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एंड सर्टन इंफॉर्मेशन ऑफ द

We with this division, three lectures back. Thereafter, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सातवाज देखा टूडे वी आर गोइंग टू सी छोला चेराज एंड पांड्याली संगम लिटरेचर तो बिफोर गोइंग टू द संगम लिटरेचर एन सी आर टी इज टॉकिंग अबाउटालिथिक कल्चर एंड मेगा कल्चर तो हमारे लेक्चर में भी अभी तक नहीं हुआ था बिकॉज वी आर गोइंग एज पर दी आर टी ना वॉट इज मेगा कल्चर अगेन वी है डिस्कस किया था that prehistorical phase is there what is prehistorical phase then it is that phase of the humanity jahan pe logo ko padhna likhna nahi aata tha so they have not left any written evidences for us to agar later written evidences unhone nahi chhode hai to everything we get to know about them is from their archaeological evidences only to aise humne ages dekhenge that is paleolithic mesolithic neolithic chalcolithic ab chalcolithic age ke baad mein north india mein इंडियन हिस्ट्री जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना तो आता था बट उनकी जो लिखावट है दैट इज द स्क्रिप्ट ये हम लोगों को पढ़ने नहीं आती

तो वैदिक एज से चालू होती है बिकॉज दिस पीपल हैव लेफ्ट अस एविडेंसेस व्हिच वी वी कैन इजीली इजीली रीड राइट एंड अंडरस्टैंड आल्सो तो दिस इज समथिंग अबाउट नॉर्थ बट एज साउथ इज कंसर्न देन साउथ में चैल्कोलिथिक के बाद वी हैव डायरेक्टली गॉट डी मेगालिथिक एज मेगालिथिक एज को साउथ में आयन एज भी बोला जाता है तो ओनली ब्रॉन्स एज इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर जो सिर्फ नॉर्थ में था साउथ में नहीं था और इसके रीजन भी हमने देखे थे बिकॉज ब्रॉन्ज इज एन एलॉय एलॉय बनाना है तो आपको क्या लगेगा टिन लगेगा एंड आपको, कौपर लगेगा. कौपर तो में आपको मिल जाएगा, राजस्थान से आपके आ सकते हो बट टिन मिलता था सेंट्रल एशिया अब सेंट्रल एशिया से साउथ में वो भी उस टाइम पे तो काफी डिफिकल्ट चीज रही होगी दैट्स वाई हम लोगों को साउथ में ब्रॉन्स एज है वो नहीं मिलता है तो न्योलिथिक चेल्कोलिथिक एमेलगमेशन इन द

अपार्ट फ्रॉम दैट इनका नाम मेगा लिथ पड़ा है तो हम लोगों ने पहले ही देखा था पैलियोलिथ मतलब ओल्ड स्टोन एज मेजोलिथ मतलब मिडल स्टोन एज नियोलिथ मतलब न्यू स्टोन एज चैल्कोलिथ मतलब क्या होगा कॉपर स्टोन एज वैसे ही मेगा लिथ मेगा मतलब बड़ा लिथ मतलब पत्थर तो बिग बिग पत्थर जो है ये लोग अपने ग्रेव्स के ऊपर लगा के रखते थे तो व्हाट आर बिग बिग पत्थर या फिर बड़े बड़े पत्थर ऐसे कौन से वाले हैं जो इन्होंने अपने इसके ऊपर दैट इज ग्रेव्स के ऊपर लगा के रखे तो ये कुछ ऐसे तरह के दिखेंगे इंडिया में यूजअली दो ही स्ट्रक्चर मिलते हैं प्रेलंस में आपको ये दो ही स्ट्रक्चर याद रखना है एक को आप बोलोगे मेहनीर एंड दूसरा है डोलमन ये दो टाइप के पत्थर जो है हम लोगों को इनके ग्रेव्स के ऊपर मिले हैं एंडर आफ्टर ग्रेव्स जो है जब हमने इसको एक्सकेवेट किया तो अभी तभी हमें इनके बरियल प्रैक्टिस एंड सर्टन अदर एस्पेक्ट के बारे में पता चला तो बरियल में इन लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी रखी थी पॉटरीज अगेन सिग्निफिकेंट बिकॉज पॉटरी से सोसाइटी के बारे में पता चलता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉटरी में हमें यहाँ भी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी के ही एविडेंसेस मिले हैं तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी ये हरप्पा में भी मिलती थी मेगालिथिक में भी मिलती थी तो दिस इज अ क्वाइट यू कैन कंसिडर सिमिलैरिटी हरप्पा का जो एकदम डिक्लाइनिंग वाला फेज था समवेयर अराउंड 1800 से लेके 1300 हंड्रेड तक का ओके okay? तो उसमें भी हम लोगों को ब्लैक एंड रेड वेयर के एविडेंसेस मिले हैं एंड मेगालिथिक जो है वो यूजुअली कंसीडर किया जाता है 1000 से लेके 600 बीसी तक ये वाला जो फेस है वो साउथ में चलता रहा था तो बेसिकली ब्लैक एंड रेड वेयर हम लोगों को थ्रू आउट एंशंट इंडिया मिली है हरप्पा के बाद में एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हम लोगों को यहाँ पे भी मिली है तो बस यही याद रखना है कि इट इज एन आई एन एच दर आफ्टर ब्लैक एंड रेड वेयर जो है ये पॉटरी हम लोगों को यहाँ पे मिली है प्रिलंस में इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ आएगा अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर जो वो इन लोगों को पता नहीं था पता था मतलब बट ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे अप टू हंड्रेड बी सी तक भी मिले एंड देर आफ्टर फिर ये जो मेगा फेस है इसी का अल्टीमेटली ट्रांजिशन हुआ था जो बिग किंगडम जो है साउथ के उनमें तो ये ट्रांजिशन के बारे में भी हम लोगों को देखना है कि ये ट्रांजिशन एग्जैक्टली exactly कैसे हुआ था बट ये जो मेगालिथ है उसी का अल्टीमेटली ट्रांजिशन होना चालू हुआ था इन पोस्ट मोरियन पीरियड अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें ये किंगडम के नाम मिलते हैं दैट इज छोलास चेराज एंड पांड्यास तो जो केरल पुत्रा है केरल पुत्र अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमें मिला है तो उसका हमने कंसिडर कर लिया कि दिस मस्ट बी चेरास तो ये जो तीन नाम है जो हम लोगों को मिले हैं इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन ये वाले नाम बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि ये उस टाइम पे साउथ में छोटी मोटी ट्राइब रहा होगी बट लेटर ऑन ये बड़े किंगडम में कन्वर्जन इनका हो गया कैसे हुआ वो देखना अभी थोड़े टाइम में एंड आफ्टर यूज ऑफ आयन जो है ये इनको पता था और इनके जो मेजोरिटी ऑफ द सेटलमेंट जो है वो स्लोप या फिर हिल्स पे ही हम लोगों को मिले हैं तो दिस इज द बेसिक लेवल का डाटा मुझे नहीं लगता प्रिलम्स में यूपीएससी इसके ऊपर कुछ पूछेगी बट स्टिल जो एनसीआर में डाटा है That is quite significant. ये थोड़ा सा ऊपर वाले जो दो पॉइंट है वो मेरे एडिशन थे लेटर ऑन ये ये वाला जो डाटा है ये हम लोगों को एनसीआर से ही मिला है तो इसको बस याद रखना है पैलियो चैलको सॉरी पैलियो मेजो नियो चैलको एंड उसके बाद में नॉर्थ में ब्रॉन्स आयरन एज आया साउथ में ब्रॉन्स एज नहीं था साउथ में डायरेक्टली आयरन एज आया एंड आयरन एज का मतलब क्या हुआ तो आयरन एज का मतलब हुआ आपका

आयरन एज इन लोगों को एग्रीकल्चर पता था बट ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे सेम एज 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 दैट ऑफ वैदिक में भी हमने देखा था कि रिग वेदा में लोगों को एग्रीकल्चर पता था बट दे रिमेन और दे चोज टू रिमेन पेस्टोरल वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पे भी थी एंड आफ्टर इनके पास से हम लोगों को ब्लैक एंड रेड वेयर की जो पॉटरी है वो मिली है ये तीन फैक्चुअल डाटा जो है वो इनके बारे में आपको याद रखने ही रखने हैं एंड जो बैकग्राउंड जो है दैट इज ब्रॉन्ज एज सिर्फ नॉर्थ में था साउथ में नहीं था इन मेगालिथिक इट सेल्फ इज एन ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संगम लिटरेचर तो ये जो मेगालिथिक जो ट्रांजिशन है टू द बिग किंगडम दैट इज छोलास एंड चेरास ये कैसे हुआ तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है संगम लिटरेचर में तो जैसे साउथ में हमने देखा था कि जो ट्राइबल इकोनॉमी है पीरियड की तो वो ट्राइबल इकोनॉमी में महाजनपद कैसा है और ट्राइबल में कैसे कन्वर्ट हुई तो जना जना का बिकेम जनपदा जनपदा का बिकेम महाजनपदा ये ट्रांजिशन हमें कहाँ से मिलता है तो वेदिक इससे मिलता है उसके बारे में हमने पढ़ा तो वैसे साउथ में भी तो स्टेट फॉर्मेशन हुआ है ये बड़े बड़े किंगडम आए तो ये जो बड़े बिड़े किंगडम जो आए तो वो एग्जैक्टली exactly कैसे आए एंड फिर मेगा से उनका कन्वर्जन ये बड़े किंगडम में कैसे हुआ तो दिस इज समथिंग ये जो स्टोरी है ये हम लोगों को संगम लिटरेचर से पता चलती है तो लेट्स गो वन बाय वन सबसे पहले तो संगम लिटरेचर जो वो एग्जैक्टली exactly है क्या तो संगम लिटरेचर जो है वो लिटरेचर है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था या फिर कहाँ पे बनाया गया था तो संगम में बनाया गया था तो अकॉर्डिंग टू तमिल ओके ये संगम लिटरेचर है तमिल लैंग्वेज में है तो अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड ये जो संगम लिटरेचर है वो टोटल तीन असेंबली या फिर थ्री संगम आज में कंडक्ट किया गया था मतलब पांडियन किंग जो है उन्होंने थ्री संगम असेंबली बुलाई थी तो तीन संगम दैट इज तीन असेंबली इन्होंने बुलाई थी पांडियन किंग्स ने और ये असेंबली में जितना भी लिटरेचर कंपाइल किया गया उसको आप बोलोगे संगम लिटरेचर अकॉर्डिंग टू तमिल माइथोलॉजी तीन ऐसे टोटल संगम हुए थे पहला वाला जो संगम है वो कैपिटल में हुआ था मदुराई में तो इन लोगों का ऐसा कहना है कि legendary God and sages सब हाँ पे पार्टिसिपेट किया था बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी बुक जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है देर आफ्टर फिस सेकेंड संगम है सेकेंड संगम जो है वो कपटपुरम में हुआ था एंड ये जो कपटपुरम है इसका सिर्फ एक ही बुक हमारे पास अवेलेबल है दट इज तोल कापीम एंड देर आफ्टर फिर थर्ड संगम जो वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई पहले दो संगम का लिटरेचर अवेलेबल क्यों नहीं है बिकॉज ये थर्ड संगम का जो लिटरेचर है दैट इज गिविंग अस अ स्टोरी कि देर वॉज अ लार्ज स्केल फ्लड इन द पांडेन कैपिटल ऑफ द मदुराई एंड फिर ये जो फ्लड आया उसमें ये सारा का सारा लिटरेचर है वो बह गया वो खो गया और अब यही लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए या फिर वापस लिखने के लिए ये तीसरी वाली असेंबली जो है वो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं People, that is third assembly, से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है तो इनका कहना है कि फर्स्ट संगम जो है उसका जो चेयरपर्सन था वो था ऋषि अगस्त्य और ऋषि अगस्त पर्सनालिटी ऑल्सो राइट अगर आपको पता रहेगा तो अगस्त्य जो है वो सात ग्रेट सेजेस जो है हिंदू माइथोलॉजी के उसमें से एक नाम है और संगम लिटरेचर भी हमें ये नाम दे रहा है तो उससे हमने यही कंसिडर कर लिया कि कल्चरलमेशन का एक पार्ट रहा होगा जब आर्यन रिलीजन ने अपने आप को साउथ इंडिया में स्प्रेड करना चालू कर दिया तो साउथ इंडिया के लोग है वो आर्यन रिलीजन क्यों एडोप करेंगे तो साउथ इंडिया के जो हीरोज है उनको आप हिंदू माइथोलॉजी या फिर वैदिक लिटरेचर का पार्ट बनाओ एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन कॉल कल्चरल एमेलगमेशन जिसके एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं दर आफ्टर फिर थर्ड संगम है वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि जो सेकेंड संगम जो है उसका जो चेयरपर्सन है उसका नाम है तोलका पियर अगेन काफी फेमस पर्सनालिटी है साउथ में एंड तोलका पियार ने जो बुक लिखा है is, तोल्का जैसे हमने देखा था, संस्कृत ग्रामर का सबसे पहला वाला बुक है समवेयर अराउंड सिक्स से लेके फोर्थ सेंचुरी बीसी के बीच में लिखा हुआ वैसे ही तमिल लिटरेचर का वन ऑफ द अर्लिएस्ट ग्रामेटिकल बुक इज तोलका पीएम किसने लिखा था तोलका पीआर ने लिखा था एंड तोलका पीआर देन ये सेकेंड संगम का चेयरपर्सन एंड फिर थर्ड संगम का जो चेयरपर्सन है उसके बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दे के रखी है उनका नाम है नक्किरार नक्किरार तो इज नाकिराराकिर इली चेयरपर्सन ऑफ द थर्ड संगम तो तीन संगम है तीन संगम मतलब तीन असेंबलीज है उसमें से दो तो ऑब्वियसली कंडक्ट करवाई थी और उसका लिटरेचर खो गया इन अ फ्लड मतलब एक बाढ़ आई थी उसमें खो गया तो दैट्स वी कैन फाइंड द थर्ड संगम इज बीन कंडक्टेड ओवर हियर एंड इसमें हम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले वाले संगम के बारे में भी दे के रखी है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वही है ऋषि अगस्त्य विच शोज द कल्चरल कल्चरलमेशन ऑफ द साउथ कल्चर एंड नॉर्थ कल्चर एंड आफ्टर फिर तोलका पी एम दैट इज बेसिकली द फर्स्ट बुक ऑन तमिल ग्रामर तो इन्होंने जो थर्ड संगम में जो लिटरेचर कंपाइल किया अब यही वाला सारा का सारा जो लिटरेचर है अब हमारे पास है पहले का कुछ बचा नहीं है दूसरे का सिर्फ एक बुक बचा है दैट इज तोलका पीएम जो मैंने बताया कि अर्लीएस्ट बुक ऑन द तमिल ग्रामर है एंड फिर जितना भी संगम लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास है फ्रॉम द थर्ड संगम इट्स तो अब देखते हैं कि ये संगम लिटरेचर जो है वो एग्जैक्टली exactly क्या है अब इसमें अगेन आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं संगम बोलता हूँ तो संगम ऐसा नहीं कि आ गए दस दिन के लिए बैठ लिए और इन्होंने लिटरेचर कंपाइल करवा लिया अकॉर्डिंग टू अगेन माइथोलॉजी पहले भी समझाया था कि ये आपके लिए और मेरे लिए अलग डिजिट है बट फॉर दिस पीपल इट मस्ट है जीरो से लेके नाइन ये आर्यभट्ट ने गुप्ता एज में डेवलप की है मतलब इनके बाद तो अगर इन्होंने लिख के रखा है तो उसका मतलब आठ हजार साल ही होगा क्या नहीं Exactly क्या होगा ये अगेन हम लोगों को नहीं पता बट इट अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली लिखा गया लिटरेचर है okay? और ये जो gradually लिखा गया literature है, है। उसका फिर इन्होंने categorization भी करके रखा है. तो दूसरों को आप बोलोगे किलका नाकू तो ये जो किलका नाकू है वो डिडेक्टिक वर्जन है मिल्का नाकू जो है वो नैरेटिव वर्जन है

एंड एंडर आफ्टर लव पोएट्री तो लव पोएट्री को ये अगाम बोलते थे या फिर इसको एकम भी बोला जाता था एंड वॉर पोएट्री को ये लोग पूरम बोलते थे ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज यू नो प्रम्स में यूपीएससी आपको यही वर्ड्स पूछने वाली है कि भाई बताओ अकाम का मीनिंग क्या होता है पुराम का मीनिंग क्या होता है या फिर मेलका नकु एंड किलका नाकू आर वर्ड रिलेटेड टू वैदिक लिटरेचर संगम लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडिया में माइथोलॉजी में आपको रामायण सॉरी एपिक में आपको रामायण एंड महाभारत मिलेगा तो साउथ इंडिया में एपिक जो है देर आर टोटल फाइव एपिक नॉर्थ में दो ही है साउथ इंडिया में टोटल पांच एपिक है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से शिल्पाधिकरम एंड मनी मेक अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग शिवका चिंतामणि वलयपथी एंड कुंटल तो ये जो टोटल पांच एपिक है उसमें से दो बुक इंपॉर्टेंट है, है कि ये दो, जो दो बुक है आफ्टर ये जो बाकी के तीन जो बुक है ये समवेयर अराउंड इलेवन सेंचुरी एडी के अराउंड लिखे हुए बुक है तो फॉर द कंटेम्प्रेरी पीरियड मतलब अभी का जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए दो ही बुक इंपॉर्टेंट है शिल्पादिकरम जो इलांगो अधिकाल ने लिखा था एंडर आफ्टर मनी मेकलाई जो सत्यनार ने लिखा था ओके तो शिल्पाधिकरम के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ओके तो वो देखेंगे थोड़ी बहुत सबसे पहले तो ये शिल्पाधिकरम जो है ये एक लव ट्रायंगल है ओके इट इज अ स्टोरी बिटवीन कोवालन हु इज मैरिड टू कन्नगी आफ्टर एक कोर्टिजान है दैट इज माधवी

कन्नगी फिर भी अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल रही एंड शी वेटेड फॉर हर हसबेंड टू कम बैक तो ये वाली जो पूरी की पूरी लव सागा है है लव स्टोरी है, ये बेसिकली आपको मिलेगी शिल्पादी करम में एंड आफ्टर फिर जो नेक्स्ट बुक है दैट इज मनी तो जो मनी मेघलाई है इट इज बेसिकली द बुक ऑफ द डॉटर बॉर्न टू द कोवालन एंड माधवी तो कोवालन एंड माधवी की जो बेटी है उसके बारे में ये बुक है तो अभी आप ऑब्वियसली पूछोगे सर इसके बारे में फिर इतना इम्पोर्टेंट चीज क्या है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिक हम लोगों को कंटेम्प्री तमिल सोसाइटी एंड एंडर आफ्टर तमिल कल्चर इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे कि अगर आपने लव स्टोरी देखी तो जैसे नॉर्थ में पॉलीगैमी थी वैसे ही साउथ में भी पॉलीगैमी चल रही है जैसे नॉर्थ में ओके okay, लड़कियों को या फिर जो आ, फीमेल है उनको अपने हस्बैंड के साथ हमेशा लॉयल रहना था वैसे ही साउथ में भी हम लोगों को दिख रहा है कि वही वाले रूल्स जो वो वुमेन के लिए बनाए जा रहे हैं एंड लव स्टोरीज क्वाइट कॉमन नॉर्थ में भी एंड लव स्टोरीज हम लोगों को यहाँ पे भी साउथ में भी काफी कॉमन दिख रही है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नेक्स्ट वाला बुक है मनी मेघलाई तो मनी मेघलाई इज अबाउट द डेस्टिट्यूट चाइल्ड डेस्टिट्यूट चाइल्ड मतलब ये ऐसी लड़की है जिसको अपने पापा का पता ही नहीं है क्या क्या चीजें हो रही है एंड जिसमें हम लोगों को कावेरी पट्टनमे उस बुहार भी बोला जाता था so उसके बारे में काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है तो कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन हम लोगों को ये दो बुक से मिली है अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये जो तोलकापिया में ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था ओके okay? तो so यही है लिटरेचर बेसिकली एंटायर संगम लिटरेचर मेलका नाको किलका नाको उसमें इम्पॉर्टेंट हैफ्टर मनी मेकलाई तो ये जो नाम है इसको थोड़ा सा याद रखना थोड़ी बहुत जो स्टोरी मैंने बताई है उसको याद रखना एंड ऑथर का थोड़ा सा याद रखना सत शिल्पाधिकरम है वो इलेंगो अधिगाल ने लिखा था मनी मेकलाई है वो सत्यनार ने लिखा था ओके So, पांड्याज के बारे में लिखा हुआ है पांड्याज ने ये पूरा का पूरा लिटरेचर है उसको पेट्रोनाइजेशन दिया था तो पांडियन किंगडम में क्या चल रहा है और बाजू के दो इंपॉर्टेंट किंगडम है दैट इज छोलाज एंड चेराज जो पांड्या के अपोजिशन है उनमें क्या क्या चल रहा है इसके ऊपर संगम लिटरेचर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बट उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया जैसे उन्होंने पहले दो संगम के बारे में बताया वैसे ही उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ द तमिल पॉलिटी के बारे में भी हम लोगों को बताया कि एग्जैक्टली थ्री किंगडम जो है वो आई कैसे तो अब उसके बारे में एक एक देखेंगे तो सबसे पहले संगम लिटरेचर इज टेलिंग अस कि लैंड जो साउथ इंडिया का जो है ओके साउथ इंडिया का लैंड मतलब कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के नीचे तो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के नीचे वाला जो लैंड है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट तिनाई और जियोग्राफिकल रील तो आपको यहाँ पे नाम भी दिखेगा तिनाई मतलब होता है जियोग्राफिकल रील और एरिया तो ऐसे हमें टोटल पांच एरियाज उन्होंने देखे रखे थे सबसे पहले कुरुंजी कि कुरुंजी एरिया में जो लोग रहते थे तमिल लिटरेचर संगम लिटरेचर ने हमें बताया है कि ये वाले जो लोग हैं वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के ऊपर यकीन रखते थे दर आफ्टर हमारे पास पलाई वाला एरिया है तो पलाई वाला जो एरिया है ओके okay, ये वाले एरिया में सब रॉबर्स लोग ही रहा करते थे तो लिफ्टिंग ऑफ द बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ द कैटल एंड प्लंडरिंग यही इनका प्रोफेशन था फिर इन्होंने एक मुलाई वाले एरिया के बारे में बताया है जहां पे इन्होंने कल्टीवेशन की बात की है तो यही इनका बेसिक एलिमेंट है कि पहले मेगालिथिक एज था मेगालिथिक एज के बाद ये ट्राइबल कल्चर डेवलप हुआ जिसमें चार सॉरी टोटल पांच डिफरेंट डिफरेंट तीनाई मतलब रिल आ गए एंड फिर हर एक रिल में एक स्पेसिफिक प्रोफेशन वाइज लोग रहते थे तो उसमें से जो तीसरा है दैट इज मुलाई वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पे हम लोगों को एनिमल एंड शिफ्टिंग के इंफॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी है दर आफ्टर मारुतम जो एक्चुअल में टोटल फर्टाइल प्लॉग एग्रीकल्चर वाला एरिया था तो मारुतम के बारे में इन्होंने बताया है एंड दर आफ्टर नेतल तो नेतल जो वो कोस्टल कम्युनिटी थी जहां पे फिशिंग एंड दर आफ्टर सोल्ट मेकिंग चल रही थी पीपीटीज तो अभी तक आई गई आपको अवेलेबल होगी होगी तो उसमें अगर आपने देखा तो स्टार्टिंग फ्रॉम कुरुंजी ये कुरुंजी वाला एरिया है दर आफ्टर पलाई उसके सराउंडिंग वाला एरिया फिर मुलाई ये मुलाई वाला एरिया है फिर मारुतम वाला एरिया है एंड दर आफ्टर कोस्टल वाला एरिया है तो उसमें यू कैन क्लियरली सी कोस्टल एरिया में तो लोग क्या करेंगे दैट इज नेतल में फिशिंग एंड सोल्ट मेकिंग ही करेंगे एंड आफ्टर मुलाई एंड मारुतम जो वाले दो एरियाज है ये दो सराउंडिंग वाले एरिया ये पहाड़ का जो है वो डाउन साइड है लीवे साइड है तो जब आप पहाड़ के डाउन साइड में रहते हो तो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बेसिकली फर्टाइल होता है बिकॉज ऑफ द रेन तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है एंड फिर जो जंगल के इंटीरियर वाला जो एरिया है दैट इज बेसिकली कुरन तो वहाँ पे आपको हंटर फूड गैदर ही मिलेंगे एंड जो बीच वाली जो कम्युनिटी है हंटर फोरगेदरर एंड एग्रीकल्चर इन दोनों के बीच में तो वो थे रॉबर्स वाली बेसिकली भलाई वाला रीजन तो तमिल लिटरेचर इज बेसिकली गिविंग अ संगम लिटरेचर इज टेलिंग अस दिस थिंग ऑन कि भाई देखो ये पांच एरियाज है टोटल पांच टीनाइज है हमारे पास और ये जो पांच टीनाइज जो है ओके ये पांच टीनाइज में हर एक टीनाई का एक चीफ हुआ करता था वो चीफ को आप बोलोगे मुवेंदर

माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थन साइड से लेके साउथन साइड में इसमें हमने एक दो स्टोरीज भी देखी थी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रावण बेलगोला राइट तो दिस इज वन ऑफ द अर्लिएस्ट इंटरक्शन ऑफ द नॉर्थन एंड सदर्न कम्युनिटीज विथ इन आवर कंट्री और ये जो नॉर्थ नॉर्थन एंड सदर्न इंटरेक्शन के आपको एविडेंस है वो आपको महाभारता में भी मिलेंगे एंड रामायण भी मिलेंगे बिकॉज रामायण एंड महाभारता जो है वो हिंदू एपिक है नॉर्थ इंडियन एपिक है तो इनको अगर साउथ इंडिया में अपना रिलीजन फैलाना है तो वहाँ के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स या फिर इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको रामायण या फिर महाभारत में लेके आना जरूरी है राइट तो वैसे ही संग संगम लिटरेचर ने हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई अर्लीस्ट लेवल पे समवेयर अराउंड थर्ड सेंचुरी से लेके फोर्थ सेंचुरी मतलब मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम के अराउंड कभी ना कभी तो जो माइग्रेशन है नॉर्थ से साउथ में बहुत ही लार्ज स्केल में चालू हुआ था एंड ये ट्रू भी है बिकॉज हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में माइग्रेशन किया था उसका जो बेटा है दैट इज बिंदुसारा उसने सबसे पहले अब साउथ इंडिया कैप्चर करना चालू कर दिया था सो बिंदुसारा इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु हैज कैप्चर्ड लैंड इन बिटवीन टू सीज राइट तो ये अर्लिएस्ट लेवल के जो कॉन्ट्रैक्शन के या फिर के एविडेंसेस हम लोगों को संगम लिटरेचर ने दिए है और अब आप ही सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा अगर खुद साउथ में जाएगा साउथ के लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली साउथ में भी इसका इम्पेक्ट पड़ेगा कि स्टेट फॉर्मेशन एंड बड़े बड़े स्टेट कैसे बनाए जाते हैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट ये बेसिकली साउथ में अब चालू होना शुरू हो गया आफ्टर फिर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट चालू अर्लीस्ट लेवल पे पहले ये Jain monk, thereafter फिर Buddhist monk. ये जैन आफ्टर फिर बुद्धिस्ट साउथ में जब गए तो साउथ में जाने के बाद हंटिंग एंड फूड गैदरिंग तो ये लोग करेंगे नहीं जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग जो है उनको तो नॉन वायलेंस करना है तो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग ने एग्रेरियन प्रैक्टिस साउथर्न रीजन में चालू कर दी तो ये वाले एविडेंसिस भी हम लोगों को दिए है किसने तो संगम लिटरेचर ने फ्टर जो कॉन्टेक्ट जो है ओके okay, उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिकली टर्म यूज कर लिया, है दैट इज तमिल हाम तमिल हाम को बेसिकली तमिज कम भी बोलते हैं तो तमिल हाम या फिर तमिज कम इज बेसिकली लैंड बिलो कृष्णा तुंगभद्रा इन जनरल एंड कावेरी रिवर इन पर्टिकुलर बट आप रफली कृष्णा तुंगभद्रा के नीचे वाला जो लैंड है उसके बारे में आप ये पूरा का पूरा एरिया उसको कंसिडर कर सकते हैं देयर आफ्टर दिस पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट उत्तर पद एंड दक्षिण पद तो उत्तर पद एंड दक्षिण पद जो है उसके बारे में हमने पहले ही इलेबोरेटली डिस्कस करके रखा है एंड संगम लिटरेचर में भी इन्होंने हम लोगों को बता के रखा है कि दक्षिण पथ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्यों बिकॉज हम लोग दैट इज साउथ दैट इज तमिल लोग जो है वो गोल्ड एंडर आफ्टर पर्ल एंडर आफ्टर वेरियस प्रेशियस स्टोन जो है नॉर्थ को सप्लाई कर रहे हैं तो जो ट्रेड नेटवर्क जो डेवलप हुआ उससे बढ़ा बढ़ेगा तो आपका स्टेट फॉर्मेशन जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ेगा इन द अशोका बिंदुसारा के बाद जब अशोका का टाइम आया तो अशोका ने एकदम डीप साउथ वाला जो एरिया है हमने मैप में भी स्टार्टिंग में ही देखा था, उनको फ्रेंडली नेबर बोला है अशोका ने हम लोगों को और एक नाम दिया है that is basically सत्यपुत्रा, but ये सत्यपुत्रा exactly कौन थी ये अब तक को को नहीं पता। ने जो केरल जो केरल नाम लिखा है, identified with the चेराज. तो चेराज को उस टाइम पे केरल पुत्रा बोला जाता था छोलाज एंड पांड्यास तो है ही ओके तो दिस इज समथिंग दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दैट ओके साउथ में भी कुछ कुछ चीजें जो डेवलप्ड हुई थी तो वो कौन सी चीजें डेवलप हुई थी तो सबसे पहले तो आयरन डेवलप हुआ था साउथ में तो आयरन हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ में आयरन जो है उसका एक काफी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस था जब आपका आयरन आएगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बढ़ेंगे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जब आपके बढ़ेंगे तब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड आफ्टर आयरन की वजह से आपका और एक चीज बढ़ेगा दैट इज बेसिकली मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो हमने रथ मुसला महाशील कंटका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजात शत्रु उसकी बात की थी राइट right? तो ये पर्टिकुलर दो एस्पेक्ट जो है वो आयन टेक्नोलॉजी को सुपीरियर बनाते हैं इन लोगों को आयन भी पता था तो इन्होंने अपना आयन टेक्नोलॉजी कंबाइन कर लिया किसके साथ नॉर्थ साइड से जो कांटेक्ट हो रहा था बेसिकली जो फ्लरिशिंग ट्रेड हो रही थी उसके साथ एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्राइबल चीफ जो है मुवेंदर जो है वो एक दूसरे के साथ वॉरफेयर करने लग गए एंड अल्टीमेटली तीन बड़े डायनेस्टीज या फिर किंगडम जो है उन लोगों को साउथ इंडिया में मिले हैं और ये जो तीन बड़े किंगडम है दैट इज बेसिकली और पांड्यास छोलाज एंड चेरास तो अब पांड्याज छोलाज चेराज के बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दे के रखी है हमको सिर्फ उतनी ही करनी है जितनी एनसीआर में है एनसीआर के अलावा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है आई विल गिव इट टू यू जो मेरे ख्याल से प्रिलम्स के लिए मोर देन सफिशियंट है बट अभी यहां तक अगर कोई डाउट रहेगा गाइज देन यू कैन लेट मी नो ठीक है एल गिव यू मिनट अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन लेट मी नो गाइज ओके हाँ साउथ इंडिया के नाम जो थोड़े से डिफिकल्ट तो जाएंगे ही ओके बट ऑब्वियसली ये दोनों तरफ से होता है साउथ इंडिया को नॉर्थ के नाम डिफिकल्ट लगते हैं नॉर्थ को साउथ के लगते हैं बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम अगर एग्जाम के पर्पज से भी आपने याद रख लिया दैट इज मोर देन सफिशियंट ओके ओके डिफरेंस बिटवीन खारोस्टी एंड प्रकृत एंड ब्राह्मीन ब्राह्मणी एंड अरेमिक ठीक है हर्ष मैंने पहले भी बताया था ये पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कवर किया है आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट अगेन जाओ पहले वाले लेक्चर एंड देर आफ्टर फिर बताओ मुझे ओके यस एनीथिंग एज गाइज ओके जल्दी जल्दी अगर कोई भी और डाउट रहेगा देन लेट मी नो अदरवाइज आई एल मूव फॉरवर्ड ठीक है यस एनीथिंग एज गाइज और कोई डाउट है यस गुड इवनिंग टू यू ऑल ओके बट कोई डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी पूछो अदरवाइज आई एल मूव फॉरवर्ड गाइज ठीक है उट चलो बढ़िया पास पांड्याज छोलाज एंड चेराज तो एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले पांड्याज नाउ एज फार एज पांड्याज आर कंसर्न देन पांड्याज जो है वो दो चीजों के लिए फेमस है ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक टाइम वो कौन सी दो चीज है तो सबसे पहले पांड्यास का जो संगम लिटरेचर जो है और उसका जो पैट्रोनाइजेशन है उसके वजह से तो संगम लिटरेचर के बारे में तो हमने अभी बात कर ही ली थी बट अपार्ट फ्रॉम दैट पांड्या के डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट थे एंशियंट रोमन एम्पायर से एंड पांड्यास के बारे में हम लोगों को इसी पीरियड में ओके okay, मेगास्थिन का जो इंडिका है उससे भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है तो मेगास्थिनिस का जो इंडिका बुक जो है उसने पांड्यास के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें देखे रखा है स्टेटिंग कि इन पांड्यन किंगडम उसने ऐसे बताया कि पांडियन किंगडम में मेरे को सेवन ईयर ओल्ड मदर मिली है तो मतलब एक सात साल की लड़की प्रेग्नेंट है ऐसा उसका कहना है ओके वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ इज दैट पॉसिबल फिजिकली इंपॉसिबल है बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है बट जस्ट रिमेंबर फॉर द फैक्चुअल ने ऐसा कुछ बता के रखा था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैगास्थी का जो इंडिया का उसने हमें यह भी बताया कि पांडियन किंगडम जो है वर्ल्ड फेमस फॉर द पॉल ट्रेड तो पॉल दैट इज बेसिकली मोती तो मोती का जो ट्रेड है उसके लिए ये लोग फेमस है पांडियंस के बारे में संगम लिटरेचर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि रोमन ट्रेड में इनका काफी बड़ा योगदान था या फिर दे हर अ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट विद द रोमन

देन छोलाल में कुछ कुछ चीजें थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले ओके इनका इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर जो था वो उरायूर था तो उरायर जो है इनका इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था बट इनकी जो कैपिटल जो थी वो कैपिटल वो समवेयर अराउंड पुहार पुहार जो है वो मॉडर्न डे कावेरी पट्टनम के अराउंड वाला एरिया है साउथ में ही है तो ये जो कावेरी पट्टनम के अराउंड ये जो पुहार कैपिटल बनाने का जो पूरा क्रेडिट जो है वो इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग को जाता है द नेम इज कराई काल तो कराई ने दो चीजें की थी सबसे पहले तो उसने बैटल ऑफ वेन्नी खेला था एंड बैटल ऑफ वेन्नी ने उन, उसने चेरा एंडर आफ्टर पांड्या इनका जो कंबाइन अलायंस है उसको हरा दिया था ये एंशियन बैटल के नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए जैसे हम लोगों ने पहले के टाइम पे बैटल ऑफ हिडेप्सिस बैटल ऑफ पुरुषनी ये सारे देखे थे वैसे साउथ में एक इंपॉर्टेंट बैटल है दैट इज बैटल ऑफ वेन्नी तो ये जो बैटल ऑफ वेन्नी जो है इट इज कंसिडर की समवेयर अराउंड कावेरी रिवर पे ही खेला गया है तो ये बैटल ऑफ वेनी में ये कराई काल जो है छोला किंग उन्होंने हरा दिया कंबाइन अलायंस कंबाइन अलायंस ऑफ देराज एंड पांड्यास तो इनको बेसिकली हरा दिया देर आफ्टर फिर ओके okay, कैपिटल जो वो मैंने बताया आपको पुहार या फिर कावेरी पट्टनम को आप कंसिडर करोगे एंड देर आफ्टर फिर ओके okay, फोर्थ से लेके नाइन्थ सेंचुरी तक इनका जो पावर है वो डिक्लाइन हुआ बट नाइन्थ सेंचुरी में एक सेकेंड फेज आया इनका वो सेकेंड फेज काफी इंपॉर्टेंट है जब मीडिया इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे दैट इज इम्पेरियल छोलाज तो ये जो इम्पेरियल जो है वो एट सेंचुरी ऑनवर्ड वापस राइज हुए इन साउथ इंडिया एंड अल्टीमेटली इट वॉज छोला डायनेस्टी जिन्होंने इंडियन कल्चर या फिर हिंदू रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन जी आप बोल सकते हो उसको साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने का काम किया बट अब वो सारी मीडियावल इंडिया वाली चीजें है ये अर्ली छोलाज है अर्ली छोलाज में एलारा का ही सॉरी एल्लारा नहीं कराई काल वाला जो नाम है वही आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए बिकॉज दैट इज देयर तो उरायूर एंड सावेरी पट्टनम बैटल ऑफ वेनी एंड आफ्टर कराई काल इज दर मोस्ट फेमस किंग तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर देर आफ्टर फिर चेराज वी आर हैविंग एज आर कंसर्न देन में हम लोगों को ऐसा कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है दे बेसिकली बेसिकली बिलोंग टू द केरला अगेन फैक्चुअल डाटा है दर कैपिटल इज एट वांजी वांजी इज इन मॉडर्न डे केरला ओनली उनका एक डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट था विद द रोमन और इनका एक पोर्ट भी था दैट इज मुजरीस ये मुजरीस पोर्ट जो है वो काफ़ी फेमस है बिकॉज रोमन लिटरेचर में ऐसा बोल बोल के रखा है या फिर रोमन जो ट्रेवलर्स है उन्होंने ये लिख के रखी है जिसकी मुजरीस में एम्पेर ऑगस्टस जो है ऑगस्टस द ग्रेट तो उसका एक टेम्पल है बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ना ये मुजरीस टाउन मिला है ये कहाँ पर है ये भी हम लोगों को नहीं पता एंडर आफ्टर अगर हम लोगों को टाउन ही नहीं मिला तो ये जो टेम्पल है वो भी हम लोगों को एज सच नहीं मिला है बट बाय एंड लार्ज ऑल कंटेम्प्ररी रिसोर्सेज जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो वो हम लोगों को दे के रखे है कि भाई ऑगस्टस का एक बड़ा टेम्पल है इन मुजरीस सॉरी ऑगस्टस का टेम्पल मेंटेन करने का काम जो है ये चेहरा डायनेस्टी ने किया था एंड ऑब्वियसली करेंगे Because ये जो जो है, उनका एक इलेबोरेट ट्रेड कॉन्टैक्ट था रोमन्स के साथ एंड रोमन से जो पैसा आता था उसी के ऊपर इनकी जो पूरी की पूरी डायनेस्टी जो है वो चल रही थी एंड एंडर आफ्टर इनका जो ग्रेटेस्ट किंग है दैट इज रेन रेड छोला जिसको आप सेनगुट्टुवन गुट्टू वन भी बोलोगे सन गुट्टू वन को बेसिकली रेड छोला भी बोला जाता है तो रेड uh, गुट्टू वन या फिर रेड छोला जो है ये पर्टिकुलर किंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वाई दिस पर्टिकुलर किंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज टू एस्पेक्ट पहले तो उसने क्लेम किया है कि उसने गंगा तक का एरिया जो है रिवर गंगा तक का एरिया वो कैप्चर करके रखा है बट इसका कोई वेरासिटी हम लोगों को मिला नहीं है बट उसका गंगा तक का एरिया कैप्चर करने से अलावा उसके अलावा एक और ग्रेट फीट है दैट इज बेसिकली पट्टनिकल तो पट्टनिकल साउथ में अभी भी चलता है तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले शिल्पादिक्रम की बात की थी

गॉडेस कन्नगी तो ये ऐसी मूर्ति है आपको साउथ इंडिया में सिर्फ केरला में ही नहीं तो आपको ये में भी मिलेंगी। जो होता है, वो ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ अपने spouse के साथ फिजिकल रिलेशन रखेगा स्पाउस के अलावा और किसी के साथ नहीं तो दिस बेसिकली जो कन्नगी पट्टनी कल जो है विच इज ऑफ द हिंदू रिलीजन यू कैन कंसिडर ये पट्टनी कल चालू करने का काम जो है

थ्री हंड्रेड एडी के बीच में और इनका एक, फेस है, और इनका एक दूसरा फेस है, जो चालू होता है सिक्स हंड्रेड एडी से लेके और यूजली खत्म होता है थर्टीन हंड्रेड एंड टेन एडी को तो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड इन सारे डायनेस्टी का सेकेंड फेज भी हम लोगों को मिला है जहाँ पे ये सारी डायनेस्टी जो है हम लोगों को वापस पढ़नी है इन लोग को एक रिन्यूड विगर मिला रिन्यूड विगर मतलब सारी जो डायनेस्टीज जो है इनके ऊपर अब कोई नॉर्थ इंडिया का बड़ा किंग राजा नहीं कर रहा था एंशियंट टाइम हमने देखा था अशोका और यू कैन कंसिडर मौर्यन डायनेस्टी ने इनके ऊपर राज किया And गुप्ता डायनास्टी ने भी इनके ऊपर राज किया ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं बट गुप्ता जैसे ही कोलैप्स हो गए तो गुप्ता कोलैप्स होने के बाद उठाना चालू कर लिया इम्पोर्टेंट है इनवेजन ऑफ द मलिक काफुर अल्टीमेटली great military commander of Alauddin Khilji, तो जो मलिक काफूर है उसने ये सारे के सारे जो किंगडम हैं इनको फाइनली अपने इंडिया के मैप से वाइप आउट कर दिया था इन 1310 से लेके 1312 हंड्रेड रफली तीन साल के पीरियड में उसने साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम है सारे किंगडम्स को ख़त्म कर दिया जिसमें छोलास का भी नाम है पांड्यास का भी नाम है दर आफ्टर काकातियाज ऑफ वारंगल का भी नाम है एंड दर आफ्टर होइसलाज ऑफ हलेबिडू का भी नाम है तो ये जो चार डायनेस्टीज जो है साउथ इंडिया की जो एंशियंट टाइम से चलती आ रही थी उनका अल्टीमेट जो एंड है वो हुआ विद द विदेजन ऑफ द मलिक काफूर तो ये वाला जो पीरियड है उसमें तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही देखा है तो इसका जो सेकेंड फेज है हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब इस वाले फेस में जाएंगे तब बट यहाँ के लिए दिस इज सफिशियंट संगम पॉलिटी में छोलास चेरा जैन पांड्या जब यहां तक अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो अगेन आई गिव यू मिनट अगर कोई डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी लेट मी नो गाइज ओके यस हाँ हाँ यस ऑब्वियसली छोलास को सॉरी uh, चेरास को ही केरल पुत्र बोलते हैं वो तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था ओके okay. अरे कल कौन सा एग्जाम है भाई अगर एग्जाम है तो थोड़ा सा ऑल द बेस्ट ठीक से एग्जाम लिख के आना ठीक है ठीक है ओके सो देर आफ्टर फेर छोलाज अंतिमा वॉट अबाउट छोलाज वो भी तो बताओगे आगे ठीक है कन्नगी ने होल विलेज को जला दिया ऐसा मैंने किसी बुक में पढ़ा था देखो यार वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसमें मैं इन डिटेल अभी जाना नहीं चाहूंगा बिकॉज उसका जाने का कोई सेंस भी नहीं है वो ऑप्शनल ऑप्शनल होता तो बात अलग है ओके नॉट फॉर द प्रलम्स पर्सपेक्टिव या फिर इसके लिए ठीक है यस ओके एविडेंस ऑफ पांड्या छोला क्या आगे भी तो कुछ लिखोगे सुदर्शन राइट वॉट डू यू मीन बाय एविडेंस ऑफ द पांड्या एंड एविडेंस ऑफ दोला हाँ उदित क्या एक्सप्लेन करो पूरा स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करो यार व्हाट्सएप चैट नहीं है हाँ। देखो उरायर इनका एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था जो कॉटन ट्रेड के लिए काफी मशहूर था तो यू कैन नॉट कंसिडर एज अ इंटरनल पॉलिटिकल कैपिटल तो एक पॉलिटिकल सेंटर आप इसको कंसिडर कर सकते हो कैपिटल जहां पे होती है वहां पे आपका राजा का पैलेस होना जरूरी है वहां पे आपकी मंत्री परिषद बैठना जरूरी है तो राजा का पैलेस जो है वो उरायर में नहीं कावेरीपट्टनम में है राजा की मंत्री परिषद कहाँ पे बैठेगी तो कावेरी पट्टनम में बैठेगी ओके यस सो यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सेकेंड कैपिटल और समथिंग लाइक दैट ठीक है कैपिटल के लिए वो आपको एक रिक्वेजाइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा वो नहीं था तो उरायर वॉज मोर लाइक एन इकोनॉमिक सेंटर कॉटन सेंटर था कॉटन ट्रेडिंग के लिए वो फेमस था ओके okay? यस, आई होप इट इज क्लियर एनी थिंग टलियर और कोई डाउट ओके चलो आई मूव फॉरवर्ड ओके मीन वाइल कैन कीप ऑन टाइपिंग योर डाउट दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ओके सोसाइटी पॉलिटी हम लोगों ने देख ली इकोनॉमी में बस वही है ट्रेड है उसके अलावा और कुछ ज्यादा इनके पास है नहीं सोसाइटी में हम लोगों को थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले हैं तो वो देखेंगे एक एक करके तो एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न दैन फॉर द फर्स्ट टाइम ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड इवन ब्राह्मण जो है वो साउथ इंडिया में अपीयर होना चालू हो गए थे संगम लिटरेचर ने हमें इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी है उनका कहना है कि हम लोगों को वैदिक कल्चर के बारे में पता है संगम लिटरेचर ने ये भी इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी है कि जो मैरिज के जो टाइज है वो नॉर्थ से साउथ में इंट्रोड्यूस हुए तो साउथ में पहले मैरिज के टाइज जो है वो नहीं हुआ करते थे शादी नाम का कंसेप्ट नहीं था ये नॉर्थ से साउथ में आया हुआ कंसेप्ट है देयर आफ्टर संगम लिटरेचर ने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि जो फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम जो है नॉर्थ का वो भी हमको पता है बट हम उनको फॉलो नहीं करते उन्होंने अपने तीन टाइप के वर्णा या फिर क्लास देखे रखे हैं तो उनका कहना है कि साउथ इंडियन सोसाइटी दैट इज तमिल लैंड जो है वो डिवाइडेड है इन अराशर वैश्यर एंड देयर आफ्टर ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है या क्लासेस है इन द साउथर्न स्टेट या फिर इन द तमिल लैंड तो यू कैन क्लियरली सी ओके कल्चरल कल्चर जो है वो होना चालू हुआ है बट वो बहुत इनिशियल स्टेज में है अभी तक पूरा का पूरा वैदिक ओवरवेलम्स ऑन द साउथन कल्चर जो वो नहीं हुआ है साउथन कल्चर जो वो अभी भी अपना जो अस्तित्व है या फिर जो अपना जो इंडिपेंडेंस है उसको टिकाने की कोशिश कर रहा है देर आफ्टर हम लोगों को एक और क्लास के बारे में पता चला है दैट पर्टिकुलर क्लास इज बेसिकली कड़ाई सीआर तो कड़ाई सीआर जो है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने वाली या फिर एग्रीकल्चर में जो मैन्यूअल लेबर यूज होते थे उनको ये लोग बोला करते थे तो एग्रीकल्चर में ये लोगों ने स्लेव्स को या फिर मैन्युअल लेबर को बहुत ही पहले से यूज करना चालू कर दिया होगा दिस इज समथिंग दैट वी कंसिडर और हमने देखा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यन तो मौर्य के टाइम पर हमने ये लाइन सुनी थी कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य शूद्रा एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्लीव इन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर जो पहले सेक्रेड एक्टिविटी कंसिडर की जाती थी वो उसको मौर्य ने ऑर्डिनरी एक्टिविटी में बदल दिया था एंड यहाँ पे भी हम लोगों को वैसे ही एविडेंसेज वो मिल रहे हैं कि जो स्लीव या फिर यू कैन कंसिडर लोवेस्ट पॉसिबल मैन्यूल लेबर जो होंगे दैट इज कडाई सर उनको अब एग्रीकल्चर में इन लोगों ने जगह दे के रखी है देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली इनिक्वालिटीज के बारे में भी इन्होंने बात की है तो इन्होंने क्लियरली लिख के रखा है कि बड़े बड़े पैलेसेस में बड़े बड़े रिच सेक्शन एंड आफ्टर किंग वाला जो सेक्शन है वो रहता था वेर एज गरीब लोग जो है ओके okay, वो मड ब्रिक के के हाउस में में या फिर हाउसेस रहते थे तो इट दैट कि भाई वहां पे भी ओके okay, दिस जो है वो उस टाइम पे थी देर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन तोलका पी एम जो है उसने हम लोगों को कुछ कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम दे के रखे है विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट तो उमन चट्टू दैट इज बेसिकली सॉल्ट मर्चेंट गल वनिका कॉन वर्चेंट दर आफ्टर अरुवाई वनिका दैट इज टेक्सटाइल मर्चेंट पोन वनिका दैट इज गोल्ड मर्चेंट ये सारे नाम जो है वो हम लोगों को देके रखे।, रखे है किसने दे के रखे तो तोलका पीएम तो तोलका पीएम इज अगेन अ बुक तमिल ग्रामर का बुक है उसमें हम लोगों को ये नाम मिले हैं विच क्लियरली शोज कि ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो काफी फ्लरिशिंग कम्युनिटी थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड डर आफ्टर फिर इनका जो चीफ गॉड जो है उसको ये लोग मुरुगन बुलाया करते थे बट अगेन इन्होंने हम लोगों को अर्लीस्ट एविडेंसेस दिए है कि इनके जो लोकल गॉड है उनको अब अवतारा कंसिडर करना चालू कर दिया है ये अवतार वाला जो कंसेप्ट है ये पोस्ट मोरियन एंड गुप्ता पीरियड में कहीं ना कहीं तो इंडिया में आया हुआ कंसेप्ट है ठीक है तो ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट में हम लोगों को यही पता चला है कि आप जो लोकल गॉड है उनको हिंदू डेटिस का या फिर उनको हिंदू गॉड या फिर गॉड से क्या हुआ बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो क्या चाहिए ठीक हाँ, है तो ये जो बेसिक वाली बेसिकली जो चीज जो है ओके सो यस सॉरी तो सब येस uh, yes. तो ये अवतारा वाला जो कंसेप्ट है दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अवतारा वाला कंसेप्ट क्यों है या फिर ये क्यों आया तो इसमें एक ही थियरी हमारे पास अवेलेबल है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न कि आपके पास बहुत सारे लोकल लोकल लेवल के गॉड है तो अगर आप आपके गांव में भी जाओगे तो आपके गांव में आपको एक ग्राम दैवत मिलेगा या फिर आपके एक विलेज का गॉड मिलेगा तो विलेज गॉड का नाम ना कुछ भी हो बट अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर गॉड जो है वो किसी तो एक बड़े हिंदू भगवान का एक अवतार है ये माना जाता है तो ये जो नोवल कंसेप्ट है जो इनोवेशन है जो सिर्फ आपको हिंदू रिलीजन में मिलेगा दैट इज कंसेप्ट ऑफ अवतारा ये इंडिया में इसी की वजह से आया बिकॉज जब ब्राह्मणिकल रिलीजन रिसर्जेंट होना चालू हुआ That we are about, or the Vedic तो उनको इंडिया के हर एक सेक्शन को अपने अंदर लेना था बट इंडिया में पहले ही हर एक जो लोकल लोग है उनका एक भगवान है जो आपको आपके गांव में दिखेगा राइट तो दैट्स ऑफ अवतारा तो एक आपका जो लोकल डेट है जिसको आप मानते हो अगर किसी ने आके बता दिया कि वो अवतार है किसका है तो एक बड़े हिंदू भगवान का अवतार है उसके लिए कुछ स्टोरीज रची जाती है स्टोरीज लिखी जाती है जिसको आप माइथोलॉजी बोलते हो एंड फिर अगर आपने वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिया देन लोकल पॉपुलेशन है वो अपने आप अपना भगवान एंड दर आफ्टर अपना भगवान के साथ अपने आप को भी हिंदू रिलीजन का पार्ट जो है वो मानने लग जाते हैं सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अवतारा वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिलता है जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम ना संगम लिटरेचर इज टॉकिंग अबाउट ऑफ अवतारा जिसमें उन्होंने लोकल जैसे मायन इसको विष्णु जिसको इंद्र एंड दर आफ्टर वरुणन दर आफ्टर कोरवाई एक्सेट्रा इसको अलग अलग भगवानों से रिलेट करना चालू कर दिया था तो दिस इज अगेन अ कंसेप्ट ऑफ द दमेशन जहाँ पे रिसर्जन या फिर अश्योरिंग और यू कैन से डेट जहां पे एनफोर्सिंग ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ अवतारा लाया उसके वजह से लोकल डेटी एंड लोकल पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली हिंदू रिलीजन में सब्ज्यूम होना चालू हो गई तो दिस इज समेटेड टू द चीफ गॉड बिमेन द बेसिक गॉड ओवर हियर एंडर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेवरी के भी एविडेंसेज मिले हैं दैट इज वीर काल तो so वीरकाल भी यहाँ पे सोसाइटी में चलती थी कि जब आप ब्रेवरी दिखाओगे एंड ब्रेवरी दिखा के जब आप मरोगे तो मरने के बाद आपके नाम का एक बड़ा बड़ा पत्थर ये लोग इरेक्ट करके रखे थे बना के रखते थे इट क्लियरली शोज की ब्रेवरी जो है वो सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट थी और अगर आपको याद रहेगा यही ब्रेवरी वाला जो एटीट्यूड है अल्टीमेटली अशोका को निकालना था लोगों में से तो दैट्स दैट अशोका ने अपने पॉलिसी ऑफ धम्म में लोगों से बता के भी रखा था या फिर विनती भी की थी कि वैलर जो है वॉयलेंस जो है उनको आपको छोड़ना है वैलर या फिर वॉयलेंस में कोई ग्लोरी नहीं है ग्लोरी किस में है तो धम्म में है दैट इज पीसफुल रहने में है और अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको कहां पे मिलेंगे देन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका वाले एरिया में भी मिलेंगे तो ऑब्वियसली सो यहाँ पे अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो एक दूसरे को कोरोबोरेट कर रहा है कि इन्होंने ब्रेवरी स्टोन दैट इज वीरकाल ओके okay, बना के रखे थे हीरो स्टोन बना के रखे थे एंड ऑन अदर एंड अशोका जो है ये आउटस्कर्ट ऑफ दायर में जो लोग रह रहे हैं उनको अपील कर रहा है और क्या अपील कर रहा है तो भाई शांत रहिए ये जो पर्सनल ग्लोरी पर्सनल वैलर की जो आप बात कर रहे हो उसमें कोई ठीक नहीं रखा है अब धम्म घोषा की तरफ बेसिकली बढ़ी है तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द संगम सोसाइटी सो आई होप इट इज क्लियर अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा देन यू कैन कीप ऑन टाइपिंग और यू कैन कीप ऑन आस्किंग इट टू मी तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज टूडे तो थोड़ा सा पहले विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज फाउंडेशन कोर्स एंड आफ्टर आई एल टेक यूर डाउट इफ यू आर हैविंग एनी तो एज फार एज यू पी एस इज कंसर्न गाइज टू यू नो ओकेर प्रिपेयरिंग फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू अब ट्वेंटी थ्री के लिए तो जा चुका है बट आई हैव सीन दिस अगेन एंड अगेन की मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो अभी भी फाउंडेशन स्कोर ये जो है कोर्स है उसको स्किप करने वाला जो काम है वही कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं बिकॉज उनका ऐसा कहना है या फिर उनका ऐसा मानना है कि भाई नेट नेट पर इम्पोर्टेंट मटेरियल पहले अवेलेबल है देन क्लास क्यों लगाया जाए देन दिस इज समथिंग फॉर यू तो पहले तो आपके पास प्रिलम्स है दर आफ्टर आपके पास मीन्स हैं प्रिलम्स एंड मीन्स का पोर्शन बहुत वास्ट है और हर एक टॉपिक के ऊपर आपको नेट पर कंटेंट नहीं मिलने वाला अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं तो एक असिस्टेंस लगेगा तो आपको एक अच्छा मटेरियल लगेगा अच्छी फैकल्टी लगेगी हु कैन डिलीवर दिस कंसेप्ट टू यू हु कैन टेल और हु कैन बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है मैंटरशिप वाला तो आपको मेंटर्स भी लगते हैं एवरी नाव एंड देन अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे दस सवाल आते हैं उसके जवाब आपको नहीं मिलेंगे एज लॉन्ग एज एक सीनियर मेंटर आपको एक हैंड होल्डिंग असिस्टेंस जो है वो नहीं दे रहा तो बेसिकली प्री प्लस मीन्स का एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करवाने के लिए आपको ये फाउंडेशन कोर्स की जरूरत पड़ती है एंड आई एम अगेन टेलिंग इट टू यू कि भाई अगर आप ये ऑफलाइन में जाओगे तो डेढ़ लाख से लेके दो लाख के कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें ना आपको मेंटरशिप मिलेगी कंटेंट भी ठीक से नहीं होता पोर्शन भी ठीक से कवर अप नहीं करवाएंगे But at Study IQ, we believe, it, believe in quality with affordability. But you will be getting all this aspect—that is, holistic preparation along with good content and good faculty and mentorship—at a very affordable rate. Okay, at a very affordable rate. If you use the code SN LIVE, so if you are preparing for 2024, then obviously this is a very good course for you. We are launching it at 30th of November, and we'll be starting with the morning batch. एंड अगेन अल्टीमेटली जाते जाते फिर ओके टू अवेल दिस पीपीटी एंडर आफ्टर क्रक्स मटेरियल ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल आपको वहां पर पीपीटी भी मिल जाएगी एंडर आफ्टर क्रक्स मटेरियल जो एनसीआर आर एस शर्मा का जो क्रक्स मटेरियल है चैप्टर वाइज वो तो मैं अपडेट कर ही रहा हूँ एंड टूअर्स द एंड मतलब lectures जब सारे ट्वेंटी जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में आई अपडेट दीडीएफ ऑल्सो ओके तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज अगर अभी कोई आपके डाउट रहेंगे तो नाउ यू कैन लेट मी नो ओके तो यस सो वन बाय वन ओके ठीक है सिंपल एविडेंस ऑफ द पांड्या छोला, ठीक है एक्सप्लेन अगेन यू कैन सी इन इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलस पांड्यास देखो मैंने आपको वही तो अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलस एंड पांड्यास आर देयर बट वो सेकंड फेज में आएंगे ना 600 से लेके ट्वेल्व हंड्रेड के बीच में जब हम जाएंगे सेकेंड फेज में तब उनके इंस्क्रिप्शन आए हैं यहाँ पे उनके कोई इंस्क्रिप्शन हम लोगों को नहीं मिले हैं ओके यस सो प्रकृत और संस्कृत संदीपा नहीं अब बहुत पुरानी डिबेट होगी इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज में अब एक्सप्लेनेशन दे दिया है देखो जब एंशियन पास की आप बात कर रहे हो आपका कोई क्लियर कट डेट नहीं होता है कि कौन सी लैंग्वेज पहली आई कौन सी नहीं आई राइट तो यू कैन नेवर एट्रीब्यूट की वन लैंग्वेज इज ओल्डर एज कम्पेयर टू दी अनादर बट एज फर एज संस्कृत एंड प्रकृत जिस कंसर्ट इनके नाम में ही लिखा है प्रकृत इज बेसिकली द नेचुरल लैंग्वेज तो दिस इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड प्रकृत का इवॉल्व वर्जन होता है संस्कृत संस्कृत का मतलब ये होता है रिफाइंड लैंग्वेज तो पहले आपकी नेचुरल लैंग्वेज आएगी जो बेसिकली खड़ी बोली है क्रूड लैंग्वेज है बैकवर्ड काइंड ऑफ द लैंग्वेज और उसका रिफाइंड वर्जन है संस्कृत दैट इज रिफाइंड लैंग्वेज तो अगर आप मुझे पूछोगे कि संस्कृत एंड प्रकृत में ओल्डेस्ट कौन सी है तो ऑब्वियसली इट इज प्रकृत जो सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इंडिया में वो प्रकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज तो बहुत बाद में लिखी गई है ओके यस बट अगेन इट्स अ डिबेटेबल मैटर ओके हर एक बंदे का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है एंड इट इज एब्सोल्यूटली फाइन बिकॉज अलग अलग थियरीज है इसके ऊपर तो अलग अलग थियरीज के ऊपर अलग अलग डाटा है अलग अलग डाटा के ऊपर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे ठीक है यस yes. ओके okay. तोलका पी एम इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड संगम यार ये क्या कर रहे हो समझ नहीं आता मेरे को जयपाल सिंह तोलका पीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ द संगम और उसने एक बुक लिखा सॉरी तोलका पी आर इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड संगम और उसने एक बुक लिखा है दैट इज तोलका पीएम तो सेकेंड संगम में बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे होंगे बट उसमें से एक ही बुक हम लोगों को मिला है वो बुक का नाम क्या है तो बेसिकली तोलका पीएम और वो बुक किसके ऊपर है तो तमिल ग्रामर के ऊपर है ओके यस अरे भाई भगवान आए किसने देखे फर्स्ट संगम इज अटेंडेड बाय गॉड अब मैं यहाँ पे आज बैठ के लिखूँ कि भाई मेरी घर में पूजा है और उसमें गणपति का मुझे दर्शन हुआ हजार साल बाद वो टैक्स किसी के हाथ में पड़ गया तो वो बंदा सही मानेगा क्या उसको कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ राइट सिंपल यार क्या सवाल पूछ रहे हो ओके सिंपल देर आफ्टर थैंक यू थैंक यू गाइज थैंक्स और बहुत ईजीली समझा दिया चलो यार थैंक यू सो मच ठीक है ये ओल्डर वाला कंसेप्ट जो वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया है हाँ. यार देखो सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी चंद्रगुप्त मौर्या जो साउथ में गए थे उसके पीछे एक बड़ा फेमाइन का रीजन था जो मैंने आपको पहले ही समझाया था बट अब चंद्रगुप्त मौर्या जब साउथ में है तो उनके साथ बहुत सारे जैन सेंट भी साउथ में है साउथ में उस टाइम पे ट्राइबल पॉलिटी चल रही थी तो हंटिंग फूड गैदरिंग चल रही थी अब जैन मॉन्ग जो है वो हंटिंग या फिर फूड गैदरिंग वाला मटेरियल तो खाएंगे नहीं तो उनको एग्रीकल्चर तो करना पड़ेगा ना तो अगर चंद्रगुप्त मौर्या श्रावण बेलगोला में मर गए अल्टीमेटली देन अ ब्रांच ऑफ जैन मॉन्ग जो है वो यहाँ पे रह गई यहीं पर रह गई और इन्होंने यहाँ पे आजू बाजू में जैन रिलीजन फैलाने का काम किया बट तो जैन रिलीजन फैलाने के साथ साथ इन्होंने अग्ररियन प्रैक्टिस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की तो जब आपका एग्रीकल्चर आएगा तो एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोफेशन होगी एंड फिर अर्बन किंगडम जो आपके यहां पे आएंगे ओके आई होप इट इज क्लियर गाइज ठीक है यस थैंक यू थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच ठीक है या yeah. चलो गुड ठीक है सो विल स्टॉप ओवर हियर देन गाइस ठीक है सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड विल मीट अगेन टुमारो सेवन ओ सेम प्रोसेस ठीक है एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर नाइनटीन ठीक है तो थैंक यू सो मच गाइज विल मीट अगेन आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर ना थैंक यू गाइज थैंक यू